तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल डेजॉक एरा में आपका। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यार ऐसी कोरियन सीरीज की जिसका नाम है 1% ऑफ समथिंग। ये आपको एमएक्स प्लेयर में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज की पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा, ये सीरीज कैसी होने वाली है, आपके लिए अच्छी होगी या नहीं, सारी चीज़ें बताऊंगा, इसका रिव्यू भी बताऊंगा दोस्तों, और कितने एपिसोड्स हैं ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहता हूं, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो मिल सके। तो गाइस वीडियो शुरुआत करते हैं। वन परसेंट ऑफ समथिंग की बात करें तो इसमें आपको कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और प्यार देखने को मिलता है। इसको डायरेक्ट किया है कॉन्ग च्योल ली ने। इसके लगभग 16 एपिसोड हैं दोस्तों, और 16 एपिसोड में लगभग पूरी एंडिंग हो जाती है। इसका आईएमडीबी में 7.7 स्टार मिला है जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर दोस्तों इसकी थोड़ी सी शॉर्ट में कहानी की बात करें तो एक लड़की होती है जिसके सपने ज़्यादा बड़े नहीं होते। वह एक टीचर होती है और उसकी अचानक ही एक लड़के से मुलाकात होती है, और फाइनली वो लड़का बहुत ज़्यादा रिच रहता है और शुरुआत में बहुत घमंडी भी रहता है दोस्तों। और उसके जो दादाजी हैं उसकी शादी करवाना चाहते हैं, उसको बहुत फोर्स करते हैं, और जिससे शादी करवाना चाहते हैं वो लड़की वही टीचर रहती है। यहीं से कहानी दोस्तों चालू होती है और आगे कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अब बात करते हैं यार इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस सीरीज़ आपके लिए कैसी होने वाली है। अगर ये सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ फैमिली के लायक बनाई गई है, लगभग इसको सभी लोग बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसमें कॉमेडी इतनी है कि लगभग बिल्कुल भी बोर नहीं करती है। अब बात करें इमोशन की तो इमोशन यार इसमें कूट कूट के भरा है। इसमें जो प्यार वाला इमोशन है, जो फीलिंग है, उसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो अगर ओवरऑल बात करें इस सीरीज़ की तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये सीरीज़ आपको रुला भी सकती है। तो बात करें यार दोस्तों इसके निगेटिव पॉइंट की, तो निगेटिव पॉइंट यार बस एक ही है जो सबसे ज़्यादा खलता है। हम जब कहानी की शुरुआत करते हैं, देखना चालू करते हैं, तो लगभग 22 मिनट आपको ये समझ में नहीं आता कि सीरीज़ कहाँ जा रही है, इसकी स्टोरी कहाँ जा रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। और 22 मिनट के बाद जो कहानी चालू होती है वो देखने लायक है दोस्तों। उसके बाद आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और ये सीरीज़ को देख के ही छोड़ेंगे आप। तो गाइज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो गाइज़ यार मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगा और आपको बताते रहूँगा कि कौन सी सीरीज़ अच्छी होने वाली है आपके लिए। तो गाइज़ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। बाय।